हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूकेंगे। इसकी शुरुआत अमित शाह जींद से आस्था रैली से करेंगे और इस रैली में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा बीजेपी के प्रभारी महासचिव अनिल जैन समेत तमाम मंत्री और नेता मौजूद रहेंगे। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि साल के आखिर में हरियाणा, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और ऐसे में बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति तैयार कर ली है, जिसकी शुरुआत आज जींद से होने जा रही है। जींद बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह का गृह जिला है और इससे पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह जींद का दौरा कर लोगों को आस्था रैली में आने के लिए आमंत्रित कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह की यह पहली रैली है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। रैली के लिए हरियाणा बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता रैली स्थल पर पहुंच चुके हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश जांगलान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे, आज जींद में आस्था रैली होने जा रही है, विधानसभा चुनावों का बिगुल फूकेगी आज बीजेपी, और आपको ये जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरीके के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, कौन कौन से बड़े नेता आज मंच पर शामिल होंगे और किस तरीके से हुंकार भरी जाएगी। शहर के अंदर ही सुरक्षा को लेकर बड़े चकाचौंध प्रबंध किए गए हैं। यहाँ पर हर चौराहे पर हर नाके करीब 20 नाके लगाए गए हैं। 20 नाके लगाने के बाद यहाँ पर जो 3 आईपीएस अधिकारी यहाँ पर आस्था रैली के अंदर इनकी ड्यूटी लगाई गई है और यहाँ पर 30 डीएसपी की ड्यूटी लगाई है। 1400 के लगभग पुलिस के जवान लगाए गए हैं। 300 महिला पुलिस कर्मचारी यहाँ पर सुरक्षा को लेकर लगाए गए हैं और यहाँ पर आज जो जींद के अंदर जो आस्था रैली के अंदर जो शामिल होंगे, अभी तक जो स्टेज के ऊपर पहुंचे हैं, मैं आप बता देना चाहता हूं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके सपुत्र सांसद ब्रजेंद्र सिंह और रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा, धर्मवीर सांसद जी और सुभाष बराड़ा प्रदेश अध्यक्ष, संगठन के सचिव अनिल भट्ट जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कृष्ण लाल पवार जी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी तक जो लोगों का पहुंचने का जो मंत्री जो बीजेपी के पहुंचने वाले हैं, लेकिन अभी 1 बजे के लगभग अमित शाह जी यहाँ पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और मुख्यमंत्री जी जींद के अंदर पहुंच चुके हैं और उन्होंने एक पंजाबी धर्मशाला के अंदर जो शहीद ढींगरा जी का उनका मदन लाल ढींगरा जी की मूर्ति का अनावरण भी किया है। चलिए राजेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री तो पहुंच चुके हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी इस आस्था रैली में पहुंचेंगे, किस तरीके की चुनावी हुंकार, किस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश और क्या कुछ रैली को लेकर अभी तैयारियां चल रही हैं? रैली को तैयारियां चली हुई है, ये चली हुई है कि जो गांव से जो आसपास के जो जींद जिले के अंदर लोग हैं वो बड़ी खुशी के साथ ही यहाँ पर आस्था रैली के अंदर पहुंच रहे हैं, क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह इस रैली के संयोजक है। उन्होंने 10 जिलों का दौरा किया था रैली को कामयाब करने के लिए। लोगों का यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुका है और लोग यहाँ पर जो महिला यहाँ पर बैठी हुई है वो बड़ी खुशी से और अंत में संगीत जो चल रहा था चौधरी वीरेंद्र सिंह के नाम से उस पर भी बड़ी बड़ी नाच गा रही थी। इस तरह की बड़ी खुशी का माहौल है। और दूसरी बात एक आपको बता रहा हूँ, क्योंकि लगभग अक्टूबर के अंदर या सितंबर अंत के अंदर विधानसभा चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव को लेकर इस रैली का बहुत ही महत्व है। अब देखना यह होगा कि लोगों की भीड़ कितनी है, अमित शाह जी के आने के बाद भीड़ आ पाती है, उसके बाद ही किस करवट ये बीजेपी की रैली लेगी विधानसभा चुनाव को लेकर देखना ही होगा जी। चलिए बहुत शुक्रिया राजेश इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बीजेपी से प्रवक्ता रेणु भाटिया जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। रेणु भाटिया जी, बहुत स्वागत आपका जी। शुक्रिया रेणु जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज आस्था रैली जींद में होने जा रही है और विधानसभा चुनाव का बिगुल आज भारतीय जनता पार्टी फूंक रही है, तो क्या आप भी वहां पर जा रही हैं और किस तरीके से कार्यकर्ताओं में आज जोश भरा जाएगा? देखिए, मेरे को थोड़ा फीवर है 3 दिन से, शायद इसलिए मैं नहीं जा पाई हूँ, और परंतु मेरे पास पूरा अपडेट है। ये रैली एक सफल रैली होगी, माननीय अमित शाह जी ने जहाँ जहाँ भी रैलियों का आगाज किया है वो प्रदेश में भाजपा का परचम लहराया ही गया है और जनता को आस्था 100% भाजपा पे अब हो गई। इसके पीछे कई कारण है और देखते हैं लोकसभा में किस तरह से लोगों ने हमारे ऊपर जनमत हमारे फेवर में दिया। इसी तरह आपने अगर हरियाणा की बात करें तो जींद रैली का आप देख रहे हैं, जींद उपचुनाव का आप देखें,
विधानसभा चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसमें सभी लोगों को ये विश्वास हुआ कि पहले भी हमने माननीय मोदी जी के माध्यम से हरियाणा को मनोहर सरकार दी थी और अब फिर केंद्र में मोदी जी का नेतृत्व हुआ है और आते ही उन्होंने 70 दिन के अंदर 370 घटा दिया। तो हरियाणा में जो बचे हुए काम है, जो पेंडिंग जनता के लिए काम है और जो नए पाइपलाइन में डाले जा रहे हैं काम, जिनका नया डिजाइन भी किया जा रहा है यहाँ के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, लड़कियों के लिए, जनता के लिए, आम नागरिक के लिए, उन सारी चीजों को एक नया रूप, नई दिशा, नया रास्ता मिलेगा। इस विश्वास के साथ सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास को साथ लेते हुए इस रैली का आज आगाज हुआ। रेणु जी, सदस्यता अभियान भी आपकी पार्टी की तरफ से चलाया गया और कई कार्यकर्ताओं को जोड़ा गया। कार्यकर्ताओं ही नहीं बल्कि दूसरे पार्टी के विधायक और दूसरे पार्टी के नेता भी लगातार लोग आरोप लगाते हैं कि आपने इंपोर्ट कर लिया, आपकी पार्टी में लगातार जो कुनबा है बीजेपी का वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो क्या ऐसे में अब विधानसभा चुनाव जो आने वाले हैं इसमें बीजेपी को बढ़त मिलेगी और पूरा समर्थन मिलेगा? जहाँ से भी आया है वो अपनी पार्टी में यदि कोई स्थान रखता था जी, तो आज उनके ही लोग उनके ऊपर अंकुश लगा रहे हैं, उनकी आस्था पर और उनके हर तरह के उनके जो है लाइफ पर चिन्ह, प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने एक विश्वास जो सबके बीच में जीता है, उनमें विपक्ष के भी नेता और कार्यकर्ता आते हैं, जिनमें से जो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की कार्यनीति को देखा इन 4 वर्षों में, उस पर विश्वास किया, वही लोग हमारे यहाँ पधारे हैं और सभी का स्वागत है। हमेशा जब कुंभा बढ़ता है, एक परिवार के बड़े लोगों को हमेशा इस बात की खुशी रहती है कि उनका कुंभा बढ़ रहा है जी। और इस कुंभे में जुड़ने के बाद यदि किसी के मन में देश के प्रति उद्गार की भावना आती है, देश की सेवा की भावना और अधिक अच्छे तरीके से बढ़ती है, तो मुझे ऐसे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। और अभी तो विधानसभा चुनाव को 1.5 महीना है, मुझे ऐसे लगता है कि बहुत से लोग और भी जरूर इससे जुड़ेंगे, क्योंकि सबने देख लिया जिस जिस पार्टी में वो परिवारों की सेवा करते रहे और कार्यकर्ता बनकर उनको इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से उन्होंने अब एहसास कर लिया कि हमने जिनकी सेवा में इतना समय लगाया वो केवल अपने तक सीमित थे, राष्ट्र और देश के प्रति नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अंतिम पंक्ति का व्यक्ति भी, चाहे वो पन्ना प्रमुख है और चाहे वो हमारे राष्ट्र के अध्यक्ष है, सभी लोग देश को समर्पित हैं। रेणु जी, पहले मेयर चुनाव, फिर जींद उपचुनाव और फिर लोकसभा में शानदार जीत, तो क्या लगता है कि जो परचम भारतीय जनता पार्टी ने लहराया वो विधानसभा चुनावों में भी बरकरार रहेगा? एक नारा दिया गया है कि 75+ का, अबकी बार 75 पार, पर मुझे ऐसे लगता है जनता का इतना प्यार मिलेगा कि 75 तो बहुत दूर रह जाएगा, हम 85 पार कर जाएंगे, मुझे ऐसा विश्वास है जिस हिसाब से हमारा कुंभा बढ़ रहा है, क्योंकि जो लोग जहाँ पर थे वो भी तो कुंभे में जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए ही ना, तो कुछ उनके माध्यम से और कुछ हमारे एक एक कार्यकर्ता जो पन्ना प्रमुख से लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की एक ही सोच के साथ जुड़े हैं, वो लोग पार्टी को 75 पार से कहीं आगे ले जाएंगे जी। चलिए, बहुत शुक्रिया रेणु भाटिया जी, आप हमारे साथ जुड़ी और ये बातचीत करी। राजेश यादव जी भी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश यादव जी, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद सर जी। यादव जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज जींद में बीजेपी की आस्था रैली होने जा रही है, तमाम नेता शिरकत कर रहे हैं, गृहमंत्री अमित शाह भी आज विधानसभा चुनावों को लेकर हुंकार भरेंगे कार्यकर्ताओं में और एक जोश भरेंगे, क्या कहना चाहेंगे रैली को लेकर? देखिए सर, अमित शाह जी हरियाणा में पहले भी कई बार आ चुका है, रोज आए, वो उनकी पार्टी का शासन है जी। तो उससे हमें तो इसमें क्या कहना है, लेकिन हम तो ये एक तरीके की दुआ कर रहे हैं कि अमित शाह जी का जो आप देखेंगे इनका इतिहास है, जिस जिस राज्य में जाते हैं वहां पे पता नहीं संयोग है या क्या है कि कट्टरता बढ़ जाती है, धार्मिक उन्माद पैदा हो जाता है, जातीय उन्माद पैदा हो जाता है। और जहां तक गृह मंत्री जी की बात है, एक तरफ से मजबूती की बात करते हैं, मजबूत सरकार और 85% लोग, 90% लोग ये कहते हैं हमारे साथ है, लेकिन पीछे इन्होंने सर्कुलर जारी किया कि भाई अमित शाह जी की रैली में कोई काले कपड़े या काला शर्ट या काली पैंट पहन के ना आए। तो जब सारी 100% जनता इनके साथ है तो ये काले रंग से इतना डरते क्यों है जी?
अमित शाह जी। दूसरा, अमित शाह जी वो व्यक्ति है जो वंशवाद का विरोध करते हैं, तो आज ये जहां जींद में जा रहे हैं तो वहां पे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी, श्रीमती प्रेमलता जी विधायक भारतीय जनता पार्टी उदाहरण कला, और श्री विश्वेंद्र सिंह जी सांसद हिसार, वो तीनों पिता पुत्र और पत्नी है तो एक मंच पे बैठे उनको नजर आएंगे। तो वंशवाद के बारे में भी उनको अच्छा हमें उम्मीद है कि वो बोलेंगे कि वंशवाद खराब है और वंशवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन सर वंशवाद की अगर हम बात कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी में भी वंशवाद की ऐसी बहुत उदाहरण है। पार्टी वंशवाद को कभी मुद्दा नहीं बनाती सर, आप हर चीज को कांग्रेस से तुलना करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने तो इस हरियाणा प्रदेश में 12 नए यूनिवर्सिटीज खोली थी अपने शासनकाल में, इन्होंने तो आज तक एक कॉलेज भी नहीं बनाया गया इनसे तो। दूसरा, हरियाणा में बेरोजगारी की दर 13.3% है, देश में दूसरे नंबर पे है बेरोजगारी में हरियाणा, यानी के जो फिलिस्तीन और सीरिया मिस्र जैसे देश हैं उनकी बेरोजगारी दर के बराबर हरियाणा की बेरोजगारी दर है। कई ऐसे मुद्दे हैं राजेश यादव जी, यादव जी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर अभी भी काम करना है। देखिए बारिश का मौसम आ गया है तो लगातार ऐसे लापरवाही प्रशासन की देखने को मिल रही है। लेकिन हम राजनीतिक अब और विधानसभा चुनावों को लेकर बात कर लेते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 75 पार का नारा दे रही है कि अब की बार 75 पार, तो क्या लगता है वो पूरा हो पाएगा और कितनी कांग्रेस कड़ी टक्कर देगी उसको? सर भारतीय जनता पार्टी को हम राजनीतिक दल नहीं मानते, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। आप ये 75 पार की बात कर रहे हैं, मनोहर सरकार मनोहर सुशासन की बात कर रहे हैं, तो इनको इंपोर्ट क्यों करने पड़ रहे हैं दूसरी पार्टियों से कैंडिडेट? आज भी क्या कारण है कि ये 75 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं और 90 उम्मीदवार नहीं है इनके पास? सारी पार्टियों में तोड़फोड़, धन बल के डरा के, आयकर का डर दिखा के, ईडी का डर दिखा के विपक्षी नेताओं को अपने में शामिल कर रहे हैं। ये जो जब तक नेता विपक्ष में है तो वो इनकी नजर में देशद्रोही और बेईमान और भ्रष्ट होता है। वही नेता भाजपा में आ जाए तो हरिश्चंद्र बन जाता है। ये तो लॉन्ड्री मशीन बना रखी है उन्होंने, तो वॉशिंग मशीन की, भ्रष्टाचार धो रहे हैं पैसे ले लेके जी। तो मतलब भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है? जी बिल्कुल। चलिए देखिए रैली तो आज होने जा रही है जींद में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और माना जा रहा है कि कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाएगा, लेकिन कांग्रेस कितनी तैयार आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर और किस तरीके की तैयारी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। एक सूत्री कार्यक्रम है किस प्रकार से प्रदेश के लोगों का भला हो, प्रदेश के बच्चों को युवाओं को नौकरियां मिले, रोजगार मिले, बेटियों को शिक्षा मिले, बच्चों को शिक्षा मिले, किसान संपन्न हो, इसी दिशा में कांग्रेस पार्टी हमेशा जब शासन था तो काम किया। आज हम विपक्ष में है तो विपक्ष में रहते भाजपा के कुशासन के खिलाफ हम लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं, चाहे वो HSSC का घोटाला हो, सरकारी जमीन बांटने का घोटाला हो, चाहे खान का घोटाला हो, चाहे PLPA एक्ट में अमेंडमेंट करने का इनका जो षड्यंत्र था उसके खिलाफ संघर्ष करने की बात हो, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा संघर्ष कर रही है और चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा के कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हमें ना इंपोर्टेड कैंडिडेट नेताओं की जरूरत है, ना हमें किसी बड़े पूंजीपति की जरूरत है जो हमारी ब्रांडिंग करेगा। कांग्रेस पार्टी तो हरियाणा की आम जनता की पार्टी, आम जनता का प्रतिनिधित्व करती है और हम बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है उस काम के लिए। राजेश यादव जी एक आखिरी सवाल आपसे ये कि 18 अगस्त को भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी रैली करने जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि किस तरीके का ऐलान होगा? क्योंकि लगातार ये सस्पेंस बना हुआ है कि कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, कोई बड़ा गठबंधन हो सकता है, तो इसको लेकर क्या कुछ आप कहेंगे? कयासों के ऐसी बातों का हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। जहां तक 18 तारीख की किसी रैली की बात है तो वो हुड्डा साहब अपने गृह क्षेत्र में, अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर रहे हैं, वो आजाद है करने के लिए। हमें अगर जो इसके बारे में सूचना मिलेगी तो हम जरूर आपको बताएंगे। मतलब साफ तौर पर आपका ये कहना है कि अभी सूचना नहीं है। और चलिए ये भी आपसे जान ही लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी पहले भी कई मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरती आई है, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हो, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं एकजुट होने की कोशिश कर रही है, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा बोलते हैं कि कहीं ना कहीं पिछले लोकसभा चुनावों में कहीं कमी रही या फिर कुछ संगठन की मजबूती और होनी चाहिए कि जिससे विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल की जा सके। पार्टी का संगठन पूरी तरह से मजबूत है, डॉक्टर अशोक तंवर जी के नेतृत्व में कांग्रेस पूरा संघर्ष कर रही है, पूरा प्रयास कर रही है, और उसी का नतीजा है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का ही, कांग्रेस ने ही बीजेपी को मुकाबला दिया है, कंपटीशन दिया है। बाकी और जो सारे दल थे वो तो भाजपा की B और C और D टीम बन के काम कर रहे थे और जनता ने उनको नकार दिया।
भाजपा का एक विकल्प के रूप में हरियाणा की जनता ने पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को देखा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस के सभी नेताओं की, और हमारे माननीय डॉक्टर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर जी, माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के करिश्माई नेतृत्व का सवाल है, जो हमारे संघर्ष को हरियाणा के लोग स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था जता रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया राजेश यादव जी हमारे साथ जुड़े और ये बातचीत करी। विधानसभा चुनाव का बिगुल बीजेपी फूकेगी आज और जींद में आस्था रैली होने जा रही है जिसमें बीजेपी के कई तमाम नेता शामिल होंगे। भाजपा के रूप में वरना पिछले 50 साल ऐसा ही होता रहा, कभी कांग्रेस तो कांग्रेस से नाराज तो बनता था, इन्हें लोग बोलते हैं, या कभी बीकेडी बहुत नाम थे और कभी उनसे नाराज हुए तो फिर कांग्रेस, तो इस तरह का वातावरण था, च्वाइस नहीं थी लोगों के पास, कोई विकल्प नहीं था। तो जब विकल्प भाजपा ने दिया तो हमारे हजारों की संख्या में जो सक्रिय साथी थे उन्होंने भागीदारी की, और हरियाणा का ये वो भूभाग है जिसको मैं ये कहूँ कि सिरसा है, फतेहाबाद है, हिसार है, भिवानी है, जींद है, पानीपत है, पानीपत के ग्रामीण क्षेत्र के, और जींद जिला है, कैथल है, ये यहाँ बीजेपी को मजबूती देने में वो हमारा प्रयोग सकारात्मक रहा, और अब उसी को हम और व्यवस्थित तरीके से और ज़्यादा जोरदार तरीके से इस आधार को मजबूत करना चाहते हैं। आज जींद के अंदर अमित शाह जी की आस्था रैली होने जा रही है और लगभग 1 बजे लगभग अमित शाह जी इस रैली को संबोधित करेंगे और यहां पर अमित शाह जी के साथ साथ मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के जो मुख्यमंत्री वो भी आएंगे और केंद्र में पूर्व मंत्री रहे हैं राज्यसभा सांसद वीरेंद्र सिंह जी वो भी यहां पर आएंगे और लगभग यहां जो हरियाणा के 10 जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वो यहां पर आएंगे और जो हरियाणा सरकार के अंदर मंत्री हैं वो भी और बीजेपी के जितने भी यहां पर विधायक है हरियाणा के अंदर वो सभी यहां पर आएंगे। और इस रैली को मैं आपको सुरक्षा को लेकर बता देना चाहता हूं कि और जींद के अंदर 3 जो एसपी रैंक के यहां पर अधिकारी लगाए गए हैं, 30 डीएसपी यहां पर लगाए गए हैं और 1400 यहां पर पुलिस कर्मचारी लगाए गए हैं और 300 के लगभग महिला जो पुलिस विभाग की कर्मचारी है वो भी यहां पर लगाई गई है और 10,000 के लगभग यहां पर कुर्सियां लगाई गई है और 12 यहां पर एलईडी लगाई गई है जो बड़ी स्क्रीन लगाई गई है ताकि यहां पे जो कार्यकर्ता आएंगे, जो भी यहाँ पे जनता आएगी रैली को अमित शाह जी को सुनने के लिए, ताकि वो आराम से दूर से भी उनको बैठकर एलईडी के थ्रू देख सके। और यहाँ पर जो आस्था रैली का जो स्टेज है, स्टेज के ऊपर 28 कुर्सियों को यहाँ पर लगाई गई है, केवल वीवीआईपी जो है अमित शाह जी के साथ 28 लोग यहाँ पर बैठेंगे और साथ में 2 यहाँ पर वीआईपी स्टेज भी बनाए गए हैं। इसके यहाँ पर जो विधायक है लोकल और जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, जो इनके नेतागण है, वो यहाँ पर बैठेंगे और इस रैली को भीड़ जुटाने के लिए चौधरी वीरेंद्र सिंह 10 जिलों का यहां पर दौरा कर चुके हैं और अब इस रैली आशा रैली के अंदर कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाने के लिए यहां पर मेहनत करी हुई है, करके लगे हुए हैं और अब देखना ही होगा कि लगभग 1 बजे अमित शाह जी आते हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आते हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी आते हैं, क्या जनता को संदेश देंगे अगले विधानसभा चुनाव के लिए। जिनसे राजेश